जब मैंने सड़कों पे बच्चों को देखा, अभी कुछ दिन पहले भी, कचरे के ढेर में जहां पर आप अपनी नाक बंद करके निकलते हैं ना, वहां पर वो बच्चे अपने पूरे शरीर के साथ उन हाथों को डेस्परेटली कुछ ढूंढते हुए नजर आते हैं, जो पूरे दिन में आपने और मैंने फेंका होता है ना, उनमें से वो अपने अगले दिन की जिंदगी को निकालते हुए नजर आते हैं। तो उनको खिलाने का प्रयास, उनके चेहरे पर हंसी का प्रयास, उनके कंधों पर बस्ता, ना कि कचरे का कट्टा, मुझे ये इंस्पायर करता है। और मुझे ये लगा कि मैं ऑर्फनेज कभी नहीं बनाऊंगी, मैं घर बनाऊंगी, वो भी बच्चों का घर। मेरा घर नहीं होगा जिसमें बच्चे रहेंगे, बच्चों का घर होगा जिसमें मैं उनके साथ रहूंगी। शुरू करने के लिए मुझे 9,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने अपने घर की सारी रद्दी इकट्ठी की और वो 6,000 कुछ पैसों में बिकी, और वहाँ से इस संस्था की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मेरी पॉकेट खाली होती गई और खर्चे बढ़ते गए। सबसे पहले अपने इयर रिंग सेल किए, फिर कभी कुछ सेल किया, कभी कुछ सेल किया। मेरे पास दो ही हाथ हैं, लेकिन हम सबके हाथ अगर मिलते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब हमसे जुड़े और इन बच्चों की ताकत बने, इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारा साथ दें। मैं अकेली काफ़ी नहीं, हम सबका साथ इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।